नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द प्लम्बर माइंड चैनल में। तो आज हम आपको दिखाएंगे पोल्ट्री फार्म की कैसे फिटिंग की जाती है। जो हमने अभी फिटिंग की है, एक की पहले एक साल की थी, आज एक दूसरे साल एक पोल्ट्री फार्म की। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर की फिटिंग का व्यू। ये पोल्ट्री फार्म अभी तैयार हो रहा है, ये लाइन हमने इसके अंदर की बिछाई है। तो ये जो है, ये लाइन अंदर की है, जो नीचे इसकी दो दो फुट की लाइनें ड्रॉप की हुई हैं। तो ये हैं अपने मुर्गियों के ड्रिंकिंग वाटर के लिए, अभी काम चल रहा है हमारा। तो ये नीचे देखो ना, ये 100 फुट लंबा है, तो इसकी 5-5 फुट पे नीचे लाइन ड्रॉप की हुई है। तो अभी क्या है, ये देखो, ये छोटे छोटे वाल लगे हुए हैं अंदर, ये इधर से पानी आ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी ये देखो, ये सारी लाइन बिछाई हुई है, एक लाइन के अंदर 20 हैं, ये 80 पॉइंट है, 80 ड्रिंकर लगेंगे। तो ये इनका ना वेस्टेज निकाला हुआ है, जब भी कभी कोई मुर्गियों को बीमारी वगैरह लगती है तो दवाई वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर, तो पीछे से पानी निकल जाता है। ये है देखो, ये जो लाइनें बिछाई हुई हमने, ये ऊपर चलते, हाँ ये क्या है, ये लाइन है, इसके अंदर ना छोटे छोटे सुराख निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे इसके पर्दे लग जाएंगे, जो कनक वाली बोरी होती है वो लग जाएंगी खाली। ये देखो, ये छोटे छोटे सुराख है इसके अंदर। तो क्या होगा, ये गर्मियों के अंदर इसकी धीरे से पानी छोड़ देंगे इसको, कम पे ये ड्रॉपिंग होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, टम्परेचर जो होता है ना वो गर्मियों में लो हो जाता है, अंदर ठंडक भी करनी होती है मुर्गियों के लिए, तो अंदर पंखे वगैरह भी लगते हैं, सारा कुछ लगता है, पूरी सेटिंग होती है इसकी, कूल भी कर देते हैं। अभी गर्मियों में इसके अंदर हीटर भी लगा देते हैं, हीटर लगा के सर्दियों में टेम्परेचर लो करते हैं, गर्मियों में इसका ठंडा कर देते हैं। तो ये पीछे से लाइन है ड्रिंकिंग वाटर की, इसमें तीन लाइन उतरती हैं, दो दोनों साइड पर और एक ड्रिंकिंग वाटर की। जो 500 लीटर वाली टैंक होती है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए होती है, 1000 लीटर वाला टैंक है वो दोनों साइड पे वेस्टेज। जो ये देखो, दो दूसरी साइड पे भी वैसे, इधर भी वाल्व दिया है, पूरा कंट्रोल भी दिया है, अलग अलग कंट्रोल भी दिया है। तो ये सारे, ये देखो, ये ओ देखो कितना लंबा, ये पूरे के अंदर दिए हुए हैं ड्रिपिंग सिस्टम। जी देखो, ये मोटर लगी हुई है, एक एचपी की लगी हुई है। तो ये दो सप्लाई हैं, एक 500 लीटर को, एक 1000 को, दो ही वेस्ट पाइप निकाली हुई है। ये देखो, ये 500 लीटर वाली है और दूसरी होगी 1000 लीटर वाली। जी देखो, इसकी दो सप्लाई हैं, इसकी एक है। जो ये 500 लीटर वाली होती है, ये इनके मुर्गियों के पानी पीने के लिए होती है, क्योंकि इसमें दवाई वगैरह भी डालते हैं, कोई बीमारी बूरी लग जाए तो फटाफट से इसके अंदर दवाई डाल देते हैं, तो फिर जो पानी पीती हैं ये वाला ही पीती हैं। ये देखो, हाँ काफ़ी ऊंची है, वो नीचे तक जा रही है सप्लाई। ये देखो, पूरा शेड है इसका, छत बना हुआ है पूरा। और दूसरी साइड वाला जो है वो छत डाली हुई थी, जो पुराने स्टाइल की कान्यों वाली। ये देखो, अभी हम आपको अंदर का व्यू दिखा रहे हैं दूसरी साइड वाले मुर्गी फार्म का। ये देखो, ऐसे पानी लग जाएगा, पाइप लग जाएगी और नीचे ड्रिंकर लग जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये MTC लगा के, इसका नोजल लगा के, और ये देखो, ये है ड्रिंकर, इसके अंदर से पानी पीती है मुर्गियाँ। वो देखो सामने पी रही हैं, कितनी मुर्गियाँ हैं, कम से कम 4000 मुर्गियाँ हैं इसके अंदर। कितनी बढ़िया, ये 18 से 20 दिन का बच्चा है अभी। ये
35 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। ये देखो सर, ये अभी सर्दियों सर्दियों के अंदर बैठे हैं, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताना प्लीज़, कमेंट करो, आप मेरे को बताओ।